गई हूँ। सारा दिन इस घर का काम करो, फिर बच्चों को संभालो, और ये बच्चे सारा दिन घर रहकर इनका तो मस्ती में ही ध्यान रहता है। क्या करूं, मेरा तो सारा टाइम घर समेटने में निकल जाता है। अनियंस भी ले आऊं। ओए टमाटर, ओए टमेटोस, टमेटोस। कोई मस्ती नहीं होगी। नाक में दम कर दिया है तुम बच्चों ने मेरे। इस घर में आज से क्या फॉलो होंगे? रूल्स। मैं क्या फॉलो होंगे? रूल्स। रूल नंबर वन, नो मस्ती। रूल नंबर टू, 2 hours एक्स्ट्रा पढ़ाई। रूल नंबर थ्री, नो टीवी। अनान्या, रूल नंबर वन, नो मस्ती। शनाया, रूल नंबर टू, 2 hours एक्स्ट्रा पढ़ाई। सियान, रूल नंबर थ्री, दही। आप लोग जाओ यहां से, जाओ खेलो। A few moments later. क्या हुआ बच्चों? आज नो मस्ती, नो धमाल। लगता है मम्मा से डांट पड़ी है। अब क्या करें, तुम्हारी मम्मा है ही इतनी स्ट्रिक्ट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा 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 जी, अच्छा। बच्चों गेस करो कौन आ रहा है? कौन आ रहा है पापा? बटिंडे वाली बुआ जी। क्या बड़ी दादी? वो तो मेरी फेवरेट है, और हम उनके साथ मस्ती करेंगे। पापा वो कब आ रही हैं? आज शाम तक पहुंच जाएंगी। ये! रमनीक, बुआ जी आ रही हैं। मैंने इतनी मुश्किल से बच्चों को मस्ती करने से रोका है, अगर वो आ गई तो इस घर में मस्ती नहीं बवाल होगा। मुझे तो बड़ा मजा आएगा। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अब वो मेरी बुआ जी हैं, मैं उन्हें मना थोड़ी ना कर सकता हूँ आने से। ओए होए, बुआ जी आ रही हैं, बहुत मजाक करेंगे। बुआ जी आ रही हैं, लगता है आ गई। ओ पैरी पाना बुआ जी। तुम दिल्ली वाले बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं हुए। हमारे बठिंडा में पता कैसे मिलते हैं? ओ छड़ो बुआ जी, तुसी बैठो आओ। की हाल चाल तेरा? बैठो बैठो बुआ जी, मैं पानी लेके आना।
अरे बुआ जी आई हैं, पानी तो दे दो। ये लो पानी। घर ते बड़ा सोना बनाया है। लो बुआ जी पानी। पानी? तुम्हारे कोल कोई जूस या कोकोनट वाटर नहीं है? पुनीत आपके लिए कोकोनट वाटर ला रही है। अच्छा। हाय मेरा ते मुंह ही थक गया है आज। क्यों? अरे की दसा, रास्ते में मैंने इतनी सीटियां मारी मुंह ही थक गया। बुआ जी आप ट्रेन में सीटियां मारती हुई आई हैं? ट्रेन में कौन आया है, मैं तो ट्रक में आई हूँ। ट्रेन में सफर करने का तो मजा ही नहीं आता, ट्रक में असली मजा है। खुली हवा, आसपास हरे भरे खेत और साथ में वरुण धवन के गाने, आए मजा ही आ गया। ओह अब गाने सुनते सुनते सीटियां मार रही थी। अरे नहीं, वो तो जो साथ वाला ट्रक था हमारे ट्रक के साथ रेसिंग कर रहा था, मैं तो उसको चीयर अप करने के लिए सीटियां मार रही थी। मार के दिखाओ। नहीं, रहने दीजिए। यू आर सो बोरिंग। रमनीक इधर आ, मेरे को तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ जी बुआ जी बोलो। एक बार एक आदमी अपने घर में कागज ढूंढ रहा था, उसके हाथ लग गई उसकी बीवी की रिपोर्ट कार्ड। उसमें लिखा था कि उसकी बीवी बहुत ही कोमल स्वभाव की है। पति तब से आज तक बंदूक लेकर उस मास्टर को ढूंढ रहा है जिसने उसके रिपोर्ट कार्ड में कोमल स्वभाव की लिखा था। बहुत ही फनी था ना। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे नहीं दिख रहे, उनको कहीं हॉस्टल तो नहीं भेज दिया क्या? अरे नहीं बुआ जी, वो तो अंदर कमरे में ही है, मैं बुला के लाता हूँ। नहीं तुम रुको, मैं जाके उनको सरप्राइज करती हूँ। अनन्या, शनाया, सियानो, आओ मिलो, शीलो शालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। आओ मिलो शीलो शालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। 10 पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा, हिरण का बच्चा, बच्चा गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने, नानी गई लंदन, हाँ सिलाई कंगन, कंगन गया टूट, नानी गई रूट। राम जी नमस्ते, कैसे हो? आओ मैंने ना एक नई गेम सीखी है, वो खेलते हैं। स्टोन पेपर सीजर्स शूट। स्टोन पेपर सीजर्स शूट। स्टोन पेपर सीजर्स शूट। इतनी मुश्किल से बच्चों को शांत किया था, सारी शांति भंग हो गई। बुआ जी एक जोक सुनाओ ना। जोक सुनना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? अच्छा ठीक है। एक हाथी था, वो खो गया है, बताओ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? जहाँ खो गया था वही मिलेगा। है था सुपर फनी। चलो आओ सेल्फी लेते हैं। ठीक है आ जाओ। ओए कैमरा। आप मेरे साथ गेम खेलोगे बुआ जी? हाँ जी पुत्र जी, मैं आपके साथ गेम खेलूंगी, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, पार्टी करेंगे। ये हो गई इस घर की शांति भंग। बुआ जी जब भी आती हैं बवाल मचा देती हैं। A few moments later. बुआ जी क्या हुआ? मुझे बहुत
बहुत जोर से क्या पेट में दर्द हो रहा है क्या? मुझे बहुत जोर से जोंक आ रहा है। बुआ जी मेरी सब्जी पड़ी है गैस पे, जल जाएगी। अरे रुक रुक रुक, मेरा जोंक तो सुन के जा। नहीं तो अच्छा सुनाइए। एक बार एक चींटी और हाथी के बीच में कुश्ती का मैच हुआ। कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? ओ हाय जल कुकड़ी, तुम मुझसे कितना जलती है। ओ मेरी सब्जी। हाँ जी बुआ जी। आजा मेरा पुत्र, आजा। सब ठीक तो है? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं हो रही। एक बात बता, दिक्कत तो वैसे मुझे कुछ नहीं है, पर जो तेरी बीवी है बड़ी सड़ियल है, इसको हंसना नहीं सिखाया क्या? अरे क्या करे बुआ जी, कोई रिटर्न या एक्सचेंज ऑफर हो तो बताना। चुप कर पगले, तेरी बीवी ने सुन लिया ना तो तेरी चटनी बना देगी, फिर हम तुझे पकौड़ों के साथ लगा के खाएंगे। अरे बुआ जी तुसी ना बड़े कमाल हो। ओते में हूँ। अच्छा सुनो, मैं और पुनीत जरा बाहर काम से जा रहे हैं, तब तक आप जरा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। अरे तुम आराम से जाओ, तब तक मैं अपनी चिल्लर पार्टी के साथ खूब मस्ती करूंगी। बेटा मैं और पापा किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे, और हमारे पीछे से नो मस्ती नो धमाल। मम्मा भाई बुआ जी, उनको बोल देना कि आपने पढ़ाई करनी है और वो भी थोड़ी देर शांति से बैठेंगी, ठीक है? ठीक है मम्मा। अरे बच्चों मैं आप लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ, कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। वो बुआ जी वो हमने ना होमवर्क करना था। अरे छोड़ो होमवर्क नू, होमवर्क को छोड़ो, आओ चल के पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं। अच्छा बाबा, अपनी मम्मा के आने से पहले बुत बन के बैठ जाना, ठीक है? चलो आ जाओ। One hour later. ये सब क्या हो रहा है? बच्चे हैं, थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। थोड़ी सी? आप तो बड़ी हैं, आपको क्या हुआ? बुआ जी पुनीत की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं बेचारी बुढ़ी औरत ये सोच के आई थी कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगी। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। मना किया था ना मैंने तुम लोगों को कि कोई मस्ती नहीं, तो क्या हुआ? ये घर है, कोई जंगल नहीं। बस अब बहुत हो गया, मैं रमनीक को बोल दूंगी कि वो बुआ जी को वापस आने के लिए कह देंगे।